देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जयपुर में राज्यपाल के संबोधन से। अध्यात्म की क्या भूमिका है, तो पहले तो हमें अध्यात्म के बारे में ही जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। अध्यात्म है क्या? मेरे हिसाब से मैं जो अनुभव करता हूँ, आत्मा के बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास, आत्मा के बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश, वह अध्यात्म है। अभी आप सुन रहे थे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को, जो कि ब्रह्मा कुमारीज के प्रशासक सेवा प्रभाग द्वारा जयपुर के राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे। प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए आध्यात्मिकता विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल ने आध्यात्मिकता का अर्थ भी बताया तो नैतिक मूल्यों की आवश्यकता पर बल भी दिया। उन्होंने कहा कि जब आत्मा के ज्ञान का विस्तार होता है तो नकारात्मकता खत्म होती है और सकारात्मकता आती जाती है। ध्यान एकाग्र करना, परमात्मा का चिंतन करना और अपने अंदर नैतिक मूल्यों को स्थापित करते हुए उसके अनुशासन का व्यवहार और आचरण में लगातार पालन करना, ये अगर हमने किया तो केवल शासन क्षेत्र में ही नहीं तो पूरे पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्र में भी हम अपनी सफलता अच्छी प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारीज के वार्षिक थीम दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर के प्रशासनिक वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। मौके पर प्रशासक सेवा प्रभाग की अध्यक्षा बीके आशा, क्षेत्रीय समन्वयक बीके पूनम ने भी विषय पर विचार रखे। कार्यक्रम में IAS बीके सीताराम मीणा ने अपने अनुभवों को साझा किया और प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश ने मंच संचालन किया। अब बात करते हैं शांतिवन में आयोजित मीडिया ट्रेनिंग की। शांतिवन ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ट्रेनिंग के दूसरे दिन प्रतिभागियों ने टीवी रिपोर्टिंग करने के कई गुर सीखे। पहले दिन की ट्रेनिंग में वरिष्ठ पत्रकार राजेश असनानी और दिल्ली से आए पत्रकार संजय सिंह ने सभी को टीवी रिपोर्टिंग की न केवल बारीकियाँ सिखाई बल्कि उन्हें PTC, माइक, कैमरा एंगल, साउंड, वॉक थ्रू आदि जैसे टीवी की भाषा में प्रचलित शब्दों को भी विस्तार से समझाया। इसके साथ ही उन्हें कई तरह के प्रैक्टिकल डेमो करके भी दिखाए गए। ट्रेनिंग के दौरान प्रतिभागियों ने सीखा कि कैसे कैमरे को फेस करते हुए इंटरव्यू करना है और न्यूज की रिपोर्टिंग करनी है। एक क्रांति क्रिएट करने वाली ये ब्रह्मा कुमारी संस्था एग्जैक्टली क्या कर रही है? दीपिका जी, ये खेतों में आप बताएंगे आप इस समय क्या कर रहे हैं? ओम शांति। जी हाँ, ये खेतों में सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ खेती होती है और ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा और भाइयों द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है कि यहाँ पे जो खेती है, जिस तरह के हम जानते हैं कि तीन तरह की खेती हमारे को बताई जाती है। इस दौरान ट्रेनिंग में भाग ले रहे 400 से ज्यादा प्रतिभागियों से मिलने ब्रह्मा कुमारी के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भी ज्ञान मोती हॉल पहुंचे। बीके मृत्युंजय का स्वागत मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल ने किया। बीके कोमल ने कहा कि बीके मृत्युंजय के प्रयासों से ही ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम साकार हो पाया है। भाई साहब जी के वरिष्ठ भ्राता हैं और गजब की इनकी ऊर्जा है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जो भी बाबा के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उसमें हमें आपके साथ सेवा करने का अवसर मिलता है। भाई साहब का विजन देख के हमने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे कि एक अगर कुमार जीवन है, कुमार जीवन को यूटिलाइज कैसे करना है बाबा की यज्ञ में, अपना एक एक सेकंड, जिसका एक सेकंड बिना प्लानिंग, बिना बाबा की प्रत्यक्ष की कोई संकल्प ही नहीं जाता है। वहीं बीके मृत्युंजय ने सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ऐसे वक्त में जब विश्व में युद्ध का माहौल है, आप सभी को ट्रेनिंग लेकर गुड न्यूज और गॉडली न्यूज देने का प्रयास करना है। एक तो विश्व में अपने अस्तित्व का खतरा है, मानव कुल का अस्तित्व का खतरा, धरती के अस्तित्व का खतरा है, पशु प्राणी पंछियों को भी खतरा है। ऐसी परिस्थिति में एक नेगेटिव न्यूज को हम पॉजिटिव में परिवर्तन करके लोगों को गुड न्यूज दे रहे, गॉडली न्यूज दे रहे, सेवा न्यूज दे रहे, पवित्रता की न्यूज दे, शांति की न्यूज दे, हम सब का करते हैं। दुनिया आपको छोड़ करके दूसरा कोई भी काम नहीं कर सकता।
आपको बता दें कि ये पहली दफा है कि जब ब्रह्मा कुमारी सदस्यों को मीडिया की प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने का 5 दिवसीय प्रोग्राम शांतिवन में रखा गया है। दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण कार्यक्रम की चीन में लॉन्चिंग। चीन के ग्वांगझो ब्रह्मा कुमारीज द्वारा द ईयर ऑफ स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर काइंडनेस एंड कंपैशन ऑनलाइन इवेंट की लॉन्चिंग की गई, जो कि ग्वांगझो में कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया के सहयोग से संपन्न हुआ। अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस इवेंट की लॉन्चिंग में कंसुल जनरल ऑफ इंडिया शंभू एल हक्की, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका और स्पिरिचुअल मेंटर बीकी सपना मुख्य रूप से शामिल हुई। वर्तमान समय काइंडनेस और कंपैशन का क्या महत्व है, इस पर चर्चा की। एंड लेट मी आल्सो बिगिन बाय कंग्रेचुलेटिंग द ब्रह्मा कुमारीज फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ऑनलाइन लॉन्चिंग ऑफ द ईयर ऑफ स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन। And my best wishes with all of you and for this wonderful initiative. The Azadi Ka Amrit Mohotsav, we are celebrating this year as taking these two values mainly, kindness and compassion, which is, we feel, we believe that is the foundation of all humanity all across the globe, and it is the need of the hour also. इस ऑनलाइन इवेंट में चीन में बसे कई भारतीय और आसपास के लोगों ने हिस्सा लिया। बीके डॉक्टर दीपक हरके को वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कमांडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में भारतीय नौसेना के मुख्यालय में वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल एसएन घोरमड़े ने VCNS कमेंडेशन कार्ड देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर गुरुग्राम ओम शांति रिट्रीट सेंटर की राजयोग शिक्षिका बीके ख्याति और बीके फाल्गुनी भी मौजूद रहीं। रांची में चुटिया के सर्वेश्वर महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें रांची सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। बीके निर्मला ने उपस्थित लोगों को जहाँ निराकार परमात्मा शिव का परिचय दिया, तो कलाकारों ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा अतिथियों का स्वागत और सत्कार किया। आप सभी भी परमात्मा शिव पिता से सर्व संबंध अपने जीवन में जोड़ करके सुख शांति पवित्रता जो ईश्वरीय संपत्ति है उसका अधिकार आपका गंभीर अधिकार है वो जरूर प्राप्त करें, और इसी के आधार से ही आप अपने जीवन को बहुत सुंदर और मंगलकारी बना सकते हैं। इस मौके पर मंदिर कमेटी के महामंत्री छत्रपति महतो बीके प्रदीप भी मौजूद रहे। 108 फीट ऊंचे शिवलिंग का दर्शन करने हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान बीके इंदु ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। हैदराबाद के शांति सरोवर में बाला वृंदावनम किड्स समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शांति सरोवर के निदेशक बीके कुलदीप, कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके ईवी स्वामीनाथन ने एकाग्रता और सच्चाई सफाई जैसे गुणों का कहानियों के माध्यम से महत्व बताया, जिसका सभी बच्चों ने भरपूर लाभ लिया। इस दौरान बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। सच बोलने से कितना फायदा होता है आपको पता है, क्योंकि परमात्मा आकर के सच्चे बच्चों के द्वारा सतयुग बना रहे। कई लोग सच बोलने से डरते हैं, क्योंकि अगर हम सच बताएंगे तो हमारा बैड इंप्रेशन हो जाएगा। मैं आपको, कितना आप में स्टेबिलिटी है, जितना आप स्टेबिलिटी में रहोगे उतना आप चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आपका प्रोजेक्ट एक्टिविटी हो, चाहे आपका एकेडमिक्स हो, इवन फॉर रिसर्च यू विल गेट द बेनिफिट। नासिक के करीब 100 साल पुराने बसंत व्याख्यान माला में दिल्ली में ORC के राजयोग शिक्षिका बीके हुसैन ने अपना व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में होने वाले अच्छी बातों को याद करके सकारात्मक बातों को उजागर करना चाहिए। बीके हुसैन ने आध्यात्मिकता के माध्यम से तनाव मुक्त जीवन पर चर्चा की। मौके पर वसंत व्याख्यान माला के अध्यक्ष श्रीकांत बेनी, सचिव डॉक्टर संगीता बाफना, नासिक उपक्षेत्रीय प्रभारी बीके वासंती, बीके पुष्पा, बीके वीणा समेत अनेक सदस्य उपस्थित रहे। वहीं देवलाली रोटरी क्लब, देवलाली इनर व्हील क्लब और देवलाली
जन कल्याण फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से पुज सिंधी पंचायत हॉल में खुद को सकारात्मक पथ पर परिवर्तित करो विषय पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बीके हुसैन, बीके वासंती, सिंधी पंचायत के अध्यक्ष रतन चावला, उपाध्यक्ष मनोहर कृष्णानी, बीके डॉक्टर दिलीप बोरसी समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। बीके हुसैन ने कहा कि शांति प्राप्त करने, ऊर्जावान होने और आराम से रहने के लिए आपको बस थोड़ी देर ध्यान की आवश्यकता है। वहीं सभी को सेवा केंद्र पर जाकर राजयोग सीखने की प्रेरणा दी गई। कोरबा में पंप हाउस कॉलोनी के सामुदायिक भवन में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ का आध्यात्मिक रहस्य कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर बीके लीना ने विषय पर अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि गीता में जो भी उपदेश है वो सभी हमारे जीवन के लिए है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम से पूर्व कलश यात्रा भी निकाली गई। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए मधुबनी न्यूज़।